अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सैयद रफीक और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैदराबाद रफीक। तो गाइस आइए खाना शुरू करते हैं। देखिए हमारे अजीम भाई खाना शुरू कर दिए। आया है हमारे सामने चिकन और एक लगा रहे और रोटी और खाने में क्या क्या है देखते हैं। आपको मिलते हैं खाने के बाद। ये देखिए नहीं है। वालेकुम अस्सलाम अब भाई। और भाई खैरियत है भाई? आप सुबह से याद नहीं कर रहे? उसके चक्कर में आप याद नहीं कर रहे सुबह क्रिकेट खेलते टाइम पे? खजीर को बोला था मैं, खजीर बोला रफीक भाई कहीं जा रहे हो। कहाँ जा रहे थे खजीर भाई? हम 9 बजे वाटते बोले। आज शाम तो लोग 1000 हो रहे हैं, बल्कि रफीक भाई पार्टी हो गया भैया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, हमारे अजहर भाई है खास करके है। तो आपका वीडियो ले ले रहा हूँ मैं, आप कोई शर्मा रहे ना? कोई बच्ची वालों को डाल रहा हूँ ना मैं, किसी को ये पुराने बुड्ढों का ले रहा हूँ वीडियो के चक्कर में चूल्हे का चले। हाँ क्या जबरदस्त फूल दिख रहा है देखिए भट्टी के अंदर, मगर वो एक रोटी नहीं होती, 6 रोटी का है वो। ये देखिए हमारे हुसैफ भाई की हुसैफ नान है, कल के ब्लॉग में भी डाला था मैं। ये आज के ब्लॉग में रोटी बन रही थी, प्रोसेस है पूरा। ये हमारी तो भाई निकाल के डाल रहे हैं। कहा एक रोटी दो भाई, पेपर में रखे जरा, हमारे व्यूअर्स को बताएंगे उसका शेप कैसा है। ये देखिए गाइस रोटी का शेप कितना प्यारा है। बोलो। ये रोटी देखते ही लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कमेंट्स में बताइए रोटी का शेप कैसा दिख रहा। छोटा दिल मेरा दिल तुम्हारे पास है। ये देखिए गाइस पूरा नल का मेन होला भर भर के जा रहे हैं, नल्ला खुलते यहाँ दावत चल रही, लेकिन पूरा पानी भरा, लोगों को जरा भी वो नहीं, पूरा पानी छोड़ दे रहे बाहर, नल खुला तो पानी। माशाल्लाह ये देखिए कश्मीरी पुलाव, चिकन ग्रेवी, माशाल्लाह बेहतरीन हुआ। ऐसे ये है देखिए हैदराबादी मिर्चियों का सालन, इसमें राई मेथी कलौंजी डाल के भून रहे हैं।
अब इसमें हम डालेंगे फिर तेल। ये डाल रहे हैं तेल, डालो गिर रहा है, डब्बा पलटो, चलो बस चलो वो ऊपर लेना। धनिया, मिर्ची, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, राया पाउडर, ये नमक हफ्जा जायका, ये देखिए ये है मिर्चियाँ, मोटी मिर्ची, हरी मिर्ची मोटे साइज की रहती है, इसको कहते हैं मिर्ची का सालन। ये देखिए ये है हरी मिर्ची जो मोटे साइज की रहती है, इसको कहते हैं मिर्ची, मिर्ची का सालन। ये बिरयानी के साथ बहुत अच्छा जाता। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन, ये देखिए अदरक लहसुन आ गया। इसमें डालेंगे फिर हरी मिर्ची का पेस्ट, ये हरी मिर्ची का पेस्ट। अब इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद फिर इसमें मसाले डालेंगे। ये देखिए पेस्ट करे हुए मसाले, इसमें हल्दी, खोपरा और तिल, ये मिक्स करा हुआ रहता, मिक्स करके इसको पेस्ट कर लेते। अब इसमें डालेंगे मसाले, ये देखिए राई, मेथी, जीरा, धनिया का पाउडर, हल्दी, मिर्ची, खोपरा है वो, खोपरा तिल फल्ली और तिल फल्ली खोपरा, ये पूरे मसाले हैं इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए पूरा मिक्स हो चुका है। अब इसमें इमली का खट्टा डालेंगे, ये देखिए इमली का खट्टा भी डाल रहे हैं। आपको दूर से इसलिए बता रहा हूँ कि तक पूरा दिख सके सामान। ये देखिए इमली, फिर बता रहा हूँ, ये देखिए इसमें टमाटे, इमली का खट्टा, ये देखिए टमाटे, ये ऐसे ऐसे बड़े डालना ताकि टमाटा गलना नहीं, साबित रहना सालन में। अब इसको दम पे छोड़ देंगे थोड़ी देर, उसके बाद पक गया, रेडी होगा प्रोसेस इसका। ये रेडी हो चुका है सालन, खाने के लिए रेडी है। इर्शाद को चावल होना। गाइस ये देखिए फ्रूट का मीठा है, ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट और रियल फ्रूट, माशाल्लाह। ये देखिए ड्राई फ्रूट का, ये दही की चटनी है जो रायता भी कहते हैं, माशाल्लाह। ये अजीम भाई, रहीम भाई, अब्दुल्ला, ये गांधी जी के नहीं होते, नहीं नौरुद्दीन रतना है ये, नाजिम भाई ये उस्मान भाई, उमर भाई कहाँ है, ये हमारे माजिद भाई, ये पूरी हमारी जमात है। देखते हैं आपको, मिलते हैं खाने के बाद। ये देखिए Thank you.
अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो चुका हमारा। अब ये देखे रहीम भाई खा रहे, हमारे सैयद भाई है, ये हमारे नाजिम भाई, माजिद भाई खाना है भाई, खाली पानी पी रहे हैं। चलिए फोन करने में डालो नाले में।